मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कूलर्स के बारे में। हम लोग ये वीडियो में कंप्लीट एयर कूलर्स, लिक्विड कूलर्स सारे चीजें देखने वाले हैं कि क्या प्राइसेस चालू है अभी नए शॉप में जो अभी कोलकाता में न्यूली ओपन्ड है माइक्रो सेंटर, उसमें जाते हैं देखते हैं कि लिक्विड कूलर्स और एयर कूलर्स के क्या प्राइसेस चालू है। ओके सर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड कूलर्स एयर कूलर्स के बारे में। तो अपने बहुत ही वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज अरेंज कर दी है लिक्विड कूलर्स और एयर कूलर्स के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके शॉप के बारे में हमें जरा बताना, आपका शॉप एग्जैक्टली कोलकाता में आता किधर है? हमारा शॉप जो है ये चांदनी चौक में है, जो कोलकाता आईटी हार्डवेयर का हार्ट है। और ये आपको मिलेगा, आप अगर 2 नंबर गेट चांदनी चौक का मेट्रो से निकलोगे तो सीधा आने के बाद आपके बाई तरफ एक एक्सिस बैंक का एटीएम पड़ेगा, बाई लेना। उसके बाद हिंदुस्तान बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस के बगल में हमारा दुकान माइक्रो सेंटर। ओके सर, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लिक्विड कूलर एयर कूलर्स का भी प्राइसिंग कैसा चल रहा है मार्केट में वही बताते हैं। पहले हम एयर कूलर से शुरू करते हैं। तो हम लोग जाते हैं एकदम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा इसके पास। ये है बहुत ही बेसिक कूलर है, लेकिन ये कभी कभी लग जाता है। मान लो कोई बेसिक सिस्टम का किसी का कूलर खराब हो गया है तो उसका रिप्लेसमेंट की तरफ से हम ये बेचते हैं। ये गामा आर्चर है, डीपुल की तरफ से 600 रुपए दाम है इसका। और इसके अगर थोड़ा ऊपर जाओगे, थोड़ा चमकीला कुछ चाहिए तो थर्मलटेक के UX100 है। ये जो कूलर है ये RGB सपोर्ट के साथ आता है, इसका भी प्राइसिंग बहुत अच्छा है, ये 1000 रुपए में। इसके बाद अगर हम थोड़ा अच्छा कूलर में जाते हैं तो GAMAX 400, ये व्हाइट में मिल जाएगा आपके पास। ये 120mm फैन के साथ आता है, इसका प्राइस है 2000। उसके बाद और थोड़ा जाएंगे ऊपर तो मुझे मिलेगा यहाँ पे GAMAX 400 Pro। ये 2400 रुपए का कूलर है और ये काफी, ये डबल फैन के साथ आता है, ये भी काफी अच्छा टावर कूलर है। अब उसके बाद एकदम ही अच्छा कूलर के पास जाएंगे, हो गया नॉक्टुआ में आ गया ये NHU 14S। इसमें 140mm का सिंगल फैन है, टावर कूलर है, एकदम साइलेंट कूलर है, आपको नॉक्टुआ के बारे में ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं है। ये आता है 6500 रुपए। इसके बाद अगर आपको UniITs बिल्ड कर रहे हो या फिर मिनी पीसी ले रहे हो, जैसे एस्ट्रो का डिस्क में आता है, ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में पीसी बना रहे हो, तो ये लो प्रोफाइल कूलर है नॉक्टुआ की तरफ से। इसका दाम है 4800 L12S। 120mm का थिन फैन होता है इसके साथ और ये बहुत ही लो प्रोफाइल कूलर है, लो प्रोफाइल सिस्टम के लिए। इसके बाद हम आ जाएंगे, हम इसे कहते हैं द बाप ऑफ ऑल कूलर्स, NHD 15। ये थ्रेडरिपर को भी आराम से ठंडा कर देगा। इसमें 2 140mm का फैन है और इसका प्राइस हो गया 8600। और सर अभी आते हैं जरा एयर कूलर्स के रिलेटेड, कौन से प्रोसेसर्स को एयर कूलर अभी के टाइम पे रिकमेंडेड है? देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट NHD 15 तो कहीं पे लगा दो, ये चल जाएगा, दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग वैसे भी ये GAMAX 400 Pro हो गया या फिर 400 XT White और बाकी दो कूलर है, हम उसके बाद दिखाएंगे। ये सब आराम से आप 12600K मान लो, 5600X मान लो या फिर 5700X तक उसके साथ भी पेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे कूलर। इसके बाद जो दो कूलर है ये बेसिकली नॉक्टुआ को मैं नहीं कहूंगा टक्कर देने वाला है, लेकिन काफी अच्छा कंपटीशन देता है। तो ये हो गया AS 500 Plus White। ये बेसिकली पहले जो डीपकूल का एसासिन नाम का कूलर आता है उसका ही एक थोड़ा ट्रिम डाउन वर्जन है। इसका प्राइस आ जाएगा 4800 रुपया व्हाइट वर्जन में, ब्लैक का वर्जन का दाम थोड़ा कम है। उसके बाद अगर देखेंगे जो डीपकूल का एकदम नया लॉन्च है, वो हो गया AK 620 White। इसमें तो ये FK फैंस मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, ये आप आराम से 12700K के साथ भी पेयर कर सकते हो, इसका प्राइस आ गया 5500। और ऐसा बोला जाता है कि डीपकूल के जो कूलर्स है वो नॉक्टुआ तक को बीट कर रहे हैं अभी के टाइम पे, नेक टू नेक हम लोग कॉम्पिटिशन बोलते हैं, तो वो कौन से कूलर्स है? वो एक्चुअली ये AK 620 White जो है ये बहुत अच्छा है। अगर आप AS 500 Plus का भी बात करो, मतलब थर्मल में तो 2-4 कूलर तो है मार्केट में जो नॉक्टुआ को बीट कर देते हैं, लेकिन नॉइज लेवल में नहीं बीट कर रहे। जिसके लिए नॉक्टुआ माहिर है वो है 0 Noise बेसिकली, जो लोग साइलेंट सिस्टम में आता है, जैसे मान लो ऑडियो स्टूडियो में जाता है। एक्चुअली अरिजीत सिंह का जो सिस्टम है, उनका मुर्शिदाबाद का स्टूडियो में जितना भी सिस्टम जाता है वो हमसे ही जाता है, तो उनका भी जो भी सिस्टम जाता है उनमें नॉक्टुआ का कूलर जाता है, आर्टिक का कूलर जाता है, कभी कभी गैली का भी कूलर जाता है, जो सब नॉइज नॉर्मलाइज कूलर जिन्हें कहा जाता है वो सब जाता है। ओके, अभी आते हैं लिक्विड कूलर्स में। सर लिक्विड कूलर्स में आपके पास क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल है? लिक्विड कूलर में काफी, मैं तो सोचता हूँ लगभग सभी ब्रांड है, सभी प्रीमियम ब्रांड्स ही है। तो अगर हम चले जाए पहले कॉर्सियर के बारे में, कॉर्सियर का ये आ गया इलाइट कैपेलेक्स, ये आपका 240mm कूलर है। इसका जो है वो तो इंडिया में फिलहाल मिलता नहीं है, लेकिन आप इसका चेंज करके जो LCD है, LCD वाला मॉड्यूल लगा सकते हो अगर कहीं से आपको मिल जाता है तो। इसका दाम आता है 11750 रुपया। और इसके बाद अगर जाए डीपकूल में, ये डीपकूल का बहुत ही पॉपुलर कूलर है L240 ARGB, GAMAX का कूलर है ये आपका आ जाता है 5900 रुपया में। ये फुल ARGB कूलर है, ARGB पंप हेडर अलोंग विद 2 ARGB 120mm। ये जो है ये डीपकूल का एकदम ही नया प्रोडक्ट है। बेसिकली पहले जो L240T आता था एक रेड में और एक ब्लू में, वो डीपकूल फेज आउट कर रहा है, उसके जगह ये जो नया कूलर आ रहा है उसी प्राइस पॉइंट में। लेकिन ये छोल इसका जो कलर है ये फिक्स कलर है, ये चेंज नहीं होता है। पहले सिंगल कलर की जगह ऐसे फिक्स्ड RGB का ये लुक दिया हुआ है। बेसिकली नया उनका जो फ्लैगशिप आया LS 720 और 520 उसका लुक्स में ये बना गया है और सेम पंप भी इसमें यूज किया गया है। ओके, तो ये सस्ता का है, ये 5100 रुपए में आपको मिल जाए। उसके बाद अगर आएंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग AIOs इन द मार्केट, फ्रैक्टल लूमेन। ये 240mm का कूलर है, बहुत ही अच्छा कूलर है। अब इसका जो प्राइस आता है, इसका प्राइस आता है 11750। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो बेसिकली पंप हेड है पूरा ARGB
हुए है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और उसके बाद अगर हम जाएंगे बजट में, बहुत ही अच्छा ऑफरिंग है हम लोग, ये भी हमारा हॉट सेलिंग मॉडल है, ये है थर्मलटेक के तरफ से TH 240। इसका प्राइस आ जाएगा आपका 5,750 रुपया। ये है जो व्हाइट में, ब्लैक वाला मेरे पास खत्म हो गया, ब्लैक वाला मिलता है, ब्लैक वाला का प्राइस करीब 300-400 रुपए नीचे रहता है। और अगर देखने जाए सर बाकी सारे ब्रांड्स में ब्लैक एंड व्हाइट में कितना फर्क आता है, कॉर्सियर में देखेंगे तो कॉर्सियर में 1,000 रुपए का डिफरेंस आता है, बाकी ब्रांड में 300-400-500 रुपए का डिफरेंस रहता है। फैंटेक में कहानी अलग है, फैंटेक के बाद में बताते हैं। तो ये हो गया मेरा बजट में एक अच्छा। और इसके बाद जो है ये वो एलिट कैपलेक्स है, ये व्हाइट में है, इसके दाम 1,000 रुपए ज्यादा है, वो 11,750 था, ये 12,750। इसके बाद ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कूलर है, ज्यादा बिकता नहीं है लेकिन क्वेरी बहुत आते हैं। ये हो गया आपका NZXT का क्रैकन X73 360 कूलर है। इसका जो ये जो एडिशन है, इसका फैन भी इसमें ARGB है, पंप हेडर भी ARGB है, सब कुछ कंट्रोल होता है NZXT का सॉफ्टवेयर से। और ये मेरे पास जो है ये फुल व्हाइट में है, बॉक्स में ब्लैक दिखता है लेकिन ये व्हाइट में है। इसका प्राइस हो गया 15,000 रुपए। और अगर ब्लैक देखने जाए तो ब्लैक का मुझे लगता है करीब इसका 1,000-1,500 रुपया कम होगा। उसके बाद ये भी एक नया लॉन्च कूलर है, बहुत ही अच्छा कूलर है, इसका पंप हेड का लुक एकदम यूनिक है। ये हो गया फैंटेक के तरफ से ग्लेशियर 1 360 MP। इस लाइन में दो कूलर आता है, एक MP और एक MPH। फैंस जो आता है, फैंस ये हाई परफॉर्मेंस फैंस है, और इसका पंप हेड का जो मैंने कहा बहुत ही सुंदर लुक है, ये ARGB है भी है। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस हो गया 14,500 रुपया। और इसके बाद अगर हम इसका ही वाइड वर्जन का बात करें, वाइड वर्जन में आप देख सकते हैं MPH है, ये एच का मतलब हेलो है। बेसिकली फैंटेक्स का जो एक एक्सेसरी पहले मिलता था कि फैन को नॉन RGB फैन को RGB बनाने का एक फैन फ्रेम मिलता था जो ARGB है, तो इनमें जो फैन है, फैन नॉन RGB है, ऊपर का ये फैन फ्रेम लगा हुआ है जिसमें ARGB है। इसका प्राइस उससे 1,200 रुपए ऊपर है, तो मान लो इसका 15,800-600 ऐसा दाम में इसका आपको मिल जाएगा। ओके, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, और इसका जो आपका ये जो हेलो अगर निकालता तो ये भी नॉन। उसके बाद फिर 7,800 रुपए में गैमेक्स L360 ARGB व्हाइट कूलर है, ARGB है, तीन फैन है, और कुछ बोलने का जरूरत तो नहीं है इसमें। इसके बाद जो आ गया, ये डीपकूल का नया फ्लैगशिप कूलर है, LS720 में मत जाइए, 360 का ही कूलर है, 720 का कूलर नहीं है। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस आ जाएगा करीब 10,600 रुपए के आसपास, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसा सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर ने हमें कहा है कि ये जो है राइजिंग 1 जो फर्स्ट वर्जन था उसको भी बीट कर रहा है कूलिंग। सबसे अच्छा इसका जो नया फैन है, इसमें LC फैंस लगे हुए हैं, बहुत ही साइलेंट फैन। थर्मलटेक TH360, ये आ गया आपका 8,100 रुपए में व्हाइट ARGB कूलर। मतलब बजट में मुझे तो लगता है थर्मलटेक का ऑफरिंग बहुत अच्छा है, प्रीमियम में जाओगे तो बहुत ऑफरिंग मिलता है, बजट में डीप कूल और थर्मलटेक इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा क्वालिटी भी अच्छा देता है। और इसके बाद इसका ही सेम है, इसका दाम 300 रुपए नीचे है, बाकी सब सेम है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो ये था कंप्लीट लिक्विड कूलर्स और एयर कूलर्स के बारे में। थैंक यू सो मच सर इतना सब कुछ बताने के लिए, हमें इतने वैरायटीज दिखाने के लिए। बट मेरे को दो जो लियानली गैलाहार्ड वाले जो कूलर्स है वो एक मिसिंग लगे, और बहुत सारे छोटे मोटे जो कंपनीज है वो मिसिंग लगे। वो अगर किसी ने इंक्वायर किया आपके पास तो वो आपको मिल जाएगा? हाँ, वो तो मिल ही जाएगा। एक्चुअली हम जब ऑर्डर दिए थे तब गैलाहार्ड अवेलेबल नहीं था, तो गैलाहार्ड अभी मार्केट में है, किसी बार जिसके पास ओल्ड स्टॉक है हम अरेंज कर देंगे, अगर आपको क्वेरी है तो अरेंज जरूर हो जाएगा। लेकिन गैलाहार्ड भी रहेगा, गैलाहार्ड V2 भी आ रहा है, नया गैलाहार्ड V2 भी रहेगा मेरे पास, बाकी इतना तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो हम कैबिनेट भी दिखा देते। लियानली का एंटायर लाइनअप है, O11 मिनी, O11 डायनामिक, O11 इवो, O11 XL, और उधर लैंडकूल 2, लैंडकूल 3 सब के सब है। लियानली का कैबिनेट हो गया, फैंटेक्स का कैबिनेट हो गया, थर्मलटेक का कैबिनेट हो गया, आपको एंटायर रेंज मोर ऑर लेस मिल ही जाएगा। प्लस आपके शॉप पे लियानली का आपके पास एक स्पेशल सेक्शन अवेलेबल है, इधर आपके ऑलमोस्ट सारे लियानली के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग एयर कूलर्स, लिक्विड कूलर्स। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस। बाय बाय।